الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم Welcome to Gauhar Publishers Our slogan is Redefining the Geography of Education Through Digital Resources for Conceptual Learning मैं हूँ फैसल शहजाद खान गौहर इस्लामियात बुक थ्री के इस वीडियो लेक्चर में आप सबको खुश आमदीद प्यारे बच्चों कैसे हैं याद है ना हम कौन सा सबक पढ़ रहे थे बिल्कुल दुरुस्त बाब अव्वल जिसका उन्वान है कुरान मजीद और हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वाला आलिही वासहाबी वसल्लम हमने दूसरा सबक पढ़ा था और दूसरे सबक का उन्वान था हिफ्ज़ो तर्जमा आज हम इस सबक की मशक हल करेंगे तो आइए चलते हैं मशक की जानिब लेकिन मशक की जानिब बढ़ने से पहले एक चीज़ याद रखिए कि जब जब हमने मशक हल करनी है तो उसका तरीक़ाकार ये होगा कि आपने वीडियो ऑन करनी है चलानी है सवाल को गौर से सुनना है और जैसे ही सवाल बोल दिया जाए आपने वीडियो को पॉज कर देना है रोक देना है स्टॉप कर देना है उसके बाद ख़ुद से जवाब को दोहराना है और फिर प्ले करके अपने जवाब को मेरे जवाब के साथ मैच करना है मिलाना है ठीक है इस तरह की प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको मश्की सवालात के जवाबात याद भी अच्छे तरीके से हो जाएंगे सवाल नंबर एक सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाबात पर टिक का निशान लगाएं अलिफ अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करते हुए कहना चाहिए पहली ऑप्शन है सुबहानल्लाह दूसरी अल्लाहु अकबर तीसरी जज़ाकल्लाहु खैरा चौथी अल्हम्दुलिल्लाह जी दुरुस्त जवाब बताइए बिल्कुल दुरुस्त जवाब है अल्लाहु अकबर बे अल्लाहु अकबर के मानी हैं एक अल्लाह सबसे बड़ा है दो तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं तीन अल्लाह पाक है चार अगर अल्लाह ने चाहा जी हाँ जवाब आपका बिल्कुल दुरुस्त है और वो क्या है अल्लाह सबसे बड़ा है जी शुक्रिया अदा करते हुए कहना चाहिए भाई पहली ऑप्शन है अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी ऑप्शन है माशाअल्लाह तीसरे नंबर पर जज़ाकल्लाहु खैरा और चौथी ऑप्शन अल्लाहु अकबर जी हाँ आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है यानी अल्हम्दुलिल्लाह सवाल नंबर दो दिए गए कलिमात का तर्जमा लिखें अल्लाहु अकबर क्या मतलब होगा इसका अल्लाह सबसे बड़ा है अस्तग़फिरुल्लाह इसका मतलब होगा मैं अल्लाह से मुआफ़ी मैं अल्लाह से मुआफ़ी मांगता या मांगती हूँ और तीसरा कलिमा है जज़ाकल्लाह अल्लाह ताला आपको आपको बेहतरीन
अल्लाह ताला आपको बेहतरीन बदला दे। सवाल नंबर 3, मुंदरजा ज़ेल सवालात के जवाबात लिखें। अलिफ, अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करते हुए कौन से कलिमात कहने चाहिए? जवाब, अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करते हुए कहना चाहिए अल्लाहु अकबर। तर्जमा, अल्लाह सबसे बड़ा है। बे, अल्लाह ताला से मुआफ़ी मांगने के लिए कौन से कलिमात कहने चाहिए? जवाब, अल्लाह ताला से मुआफ़ी मांगने के लिए कहना चाहिए अस्तग़फिरुल्लाह। तर्जमा, मैं अल्लाह ताला से मुआफ़ी मांगता या मांगती हूँ। जीम, दुरूद पाक की फजीलत बयान करें। जवाब, फरमाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वाला आलिही वसहाबी वसल्लम है, जो शख्स मुझ पर एक मर्तबा दुरूद शरीफ भेजता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। जामे तिरमिज़ी, हदीस नंबर 485। जी प्यारे बच्चों, आज के हमने लेक्चर में मुकम्मल मश्क को हल किया है। आपके करने के काम और भी हैं कुछ, और पहला काम यह है कि आपने सना और फातिहा, यानी सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक और अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इसकी प्रैक्टिस करनी है और इसको याद करना है, बार बार दोहराना है, अपने वालिदैन को, असाज़ा कराम को भी सुनाना है। इसके साथ साथ दुरूद इब्राहिमी की ऑडियो आपने अपने असाज़ा की रहनुमाई में, अपने वालिदैन की रहनुमाई में हासिल करनी है और उसको बार बार सुनना है और याद करना है। उम्मीद है आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा और यकीनन आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा। अगले लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का खूब खूब अदब व एहतराम कीजिएगा, असातिज़ा कराम का कहना मानिएगा और अपने अमल को भी बेहतर बनाने की कोशिश कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।